अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज हम शेयर करेंगे आपके साथ चना चाट रेसिपी। तो ये हमारे 250 ग्राम चने थे जिसे हमने ओवरनाइट के लिए भिगो के छोड़ दिया है और हमने इसे बॉईल भी कर लिया है 3-4 सीटी लगा के मीडियम फ्लेम पे। तो ये हमारे रेडी हैं चाट बनाने के लिए। आज हम अलग तरीके की चाट बनाएंगे, इसमें हम एक बॉयल आलू डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी बनाना। चना चाट बनाने के लिए हमने कढ़ाई चढ़ा दी अपनी गैस पे, इसमें हमने अपना कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है 1 चम्मच। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, अब इसमें हम अपनी ये 1/2 टीस्पून के करीब जीरा डाल देंगे और ये 2 पिंच अपनी हींग डाल देंगे। हमारा जीरा चटक चुका है, अब इसमें हमने ये 1 मीडियम साइज की प्याज काटी है छोटी, ये डाल देंगे। अपनी प्याज को चला लेंगे 2 मिनट के लिए, फिर हल्का सा सॉटे करेंगे, गुलाबी कलर आने देंगे बस। ये 2 से 3 हमारी हरी मिर्चें थी और 1/2 टमाटर ले लिया है जिसे हमने कट कर लिया है, इसे भी डाल देंगे हम। हम मसाला चने चाट बना रहे हैं तो उसके लिए हमने 1 छोटी सी कटोरी में अपने सारे मसाले मिक्स कर लिए हैं। हमने 1/2 टीस्पून काला नमक लिया है, 1/2 टीस्पून हमने इसमें वो ली है सूखी खटाई, आमचूर पाउडर, और 1/2 टीस्पून ही हमारा भुना हुआ जीरा है, 1/2 टीस्पून हमारा गर्म मसाला है और 1/2 टीस्पून ही हमारा चाट मसाला है। ये हमारे सारे मसाले मिक्स हैं। नमक हमने काले नमक का इस्तेमाल करा है और नमक हमारे चनों में भी है तो इसलिए हम कम नमक डालेंगे। अगर हमें नमक कम लगेगा तो हम बाद में चख के नमक डालेंगे। हमने अपने सारे मसाले मिक्स कर लिए हैं, अब इसमें हमने ये बॉयल चने डाल देंगे। और ये हमारे 2 आलू थे बॉयल, जिसे हमने छोटे छोटे पीसेस में इस तरीके से कट कर लिया है। अगर आपको आलू ना पसंद हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। आलू डाल के चाट का टेस्ट दुगना हो जाता है और सबको इतना पसंद आता है ये, जैसे बाहर मिलती है बिल्कुल चना चाट। अब इसे हम 5 मिनट के लिए अपने मसालों में कस के भून लेंगे। आप इस वक्त इसमें नमक मिर्च चख सकते हैं, अगर आपको नमक या मिर्च कम लगे तो आप डाल सकते हैं। ये हमारी 1/2 टीस्पून से भी कम है, हम हल्की सी इसमें चिली फ्लेक्स डाल देंगे। हम ये बच्चों के लिए बना रहे हैं इसलिए हमने इसमें ज़्यादा मिर्च ऐड नहीं करी है, क्योंकि इसमें हमारी हरी मिर्चें भी हैं। देखिए हमने अपने चनों को मसाले में कस लिया है, एकदम से भून लिया है, बढ़िया बने हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा 1 मुट्ठी अपना हरा धनिया ऐड कर देंगे। हमने हरा धनिया ऐड कर दिया, हरा धनिया के बगैर तो चाट का मज़ा अधूरा है। ये देख सकते हैं आप कितने बढ़िया हमारे चने लग रहे हैं देखने में, एकदम जायकेदार बने हैं, सबको बहुत पसंद आते हैं। मेरे तरीके से इन्हें आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। हमने अपने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। ये हमारी बड़े साइज़ की एक प्याज थी और 1/2 टमाटर था जिसे हमने कट कर लिया है, ये हम ऊपर से डालेंगे। देखिए हमारे प्याज टमाटर कितने बढ़िया लग रहे हैं, इन्हें मिक्स कर लेंगे हम। इनका ऊपर से जायका क्रंची क्रंची एकदम बहुत यम्मी लगता है, बहुत जायकेदार लगता है। करते हैं डिश आउट, दिखाएंगे फिर आपको एक बाउल में निकाल के। तो देखिए आप देख सकते हैं हमारी चाट बनके बिल्कुल रेडी है। हमने अपने प्याज टमाटर को इसमें मिक्स कर लिया है, इसका जायका ऊपर से बहुत क्रंची क्रंची लगता है, खाने में बहुत टेस्टी बनती है ये चना चाट, सबको बहुत पसंद आती है। आप मेरे तरीके से इसे ज़रूर ट्राई करें। आप इसमें खीरा भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको पसंद हो, तो मेरे बच्चे नहीं खाते इसलिए मैंने नहीं डाला। आप मेरे तरीके से ये ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।